हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आज हम पुनः रिकैप करेंगे बहुपद से संबंधित। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि बहुपद का भाग किस प्रकार से होता है, कैसे हम भागफल निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं, तो आइए पुनः हम उसको रिकैप करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें प्रत्येक क्लास का चैप्टर वाइज वीडियो कंटिन्यू हम डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज हम बहुपद का भागफल निकालने के लिए पुनः सीखेंगे। पॉलीनोमियल यानी कि पॉलीनोमियल यानी बहुपद, इसका हम सीखेंगे आज डिवीजन, क्लास टेन के लिए। आइए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे हाथ में क्लास टेन का मैथमेटिक्स है, क्लास टेन मैथमेटिक्स। इसी का एक्सरसाइज है 2.3, और हम भागफल निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इसका इस प्रकार से कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद से भाग देने पर आधारित प्रश्न। पहला है px = 2x³ + 3x + 1 और यहाँ दिया हुआ है qx = x + 2 से भाग दे तो भागफल शेषफल क्या होगा। भागफल और शेषफल निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग करते हैं, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। भाग की जो लंबी प्रक्रिया होती है 2x³ + 3x + 1, भाग देंगे इसको x + 2 से, तो देखिए क्या हो जाएगा। पहला टर्म यहाँ है 2x³ और यहाँ पर है x, हम क्या करते हैं 2x² से इसको गुणा करते हैं x को, 2x² × x, ये हो जाएगा 2x³। फिर 2 से गुणा करते हैं 2x² को, ये हो जाएगा 2 × 2 4x² जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है। यदि यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हम साइड करके इसको लिख देते हैं 4x² लिख दिए। अब इसके बाद हम घटाते हैं, जब घटाते हैं तो चिन्ह नीचे का चेंज करते हैं, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब देखिए ये 4x² है, इसका चलिए माइनस कम करेगा, इसको आगे लिख लेते हैं -4x², ये +3x है, इस 3x को हम यहाँ लाते हैं +3x, फिर +1। अब देखिए जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह हम यहाँ दे देते हैं माइनस। अब x को कितना से गुना करें कि 4x² होगा, पहला टर्म हर हाल में कैंसिल होना है, यहाँ माइनस दे दिए, x को 4x से गुना करेंगे, कितना से 4x, -4x × x, -4x² + -, 2 × 4, ये हो जाएगा 8x। अब फिर इसको घटाते हैं, माइनस है तो यहाँ प्लस चिन्ह देते हैं, माइनस है तो यहाँ प्लस, पहला हो गया कैंसिल, 8x का चिन्ह आ जाएगा +8x और ये 3x, ये हो जाएगा 11x + 1। अब देखिए क्या करते हैं, फिर x से इसको गुना करते हैं, कितना से गुना करेंगे कि 11x होगा, यहाँ +11 करते हैं, 11 × x, ये हो जाएगा 11x + 2 × 11, ये हो जाएगा 22। घटाते हैं इस प्रकार से और ये हो जाता है कैंसिल, ये माइनस
चिन्ह रहेगा, ये प्लस चिन्ह खत्म हो जाएगा, 22 का चिन्ह रहेगा ये माइनस, 22 में से घट जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुपदों का भागफल कैसे निकाला जाता है। तो इसमें भागफल जो है ये हो गया, भागफल इस प्रकार से ये जिसको हम घेरा लगा चुके हैं ये हो गया भागफल। तो हम लिखते हैं भागफल इक्वल टू इस प्रकार से भागफल, ये जो भागफल निकला ये हो गया 2x² - 4x + 11 और शेष फल, ये शेष फल हो गया -21। आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए, प्रोसेस को कम से कम ध्यान से सुनिए, और यदि नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ समय दे रहा हूँ, आप फास्ट में हाथ चला करके लिख सकते हैं। पुनः इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से बनाएंगे। तो आइए पुनः अब इसे हम दूसरे मेथड से बनाते हैं। तो देखिए इसको हम हटा देते हैं, और इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। तो इस बार हम इसे हल करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो आइए जानते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो पी एक्स दिया हुआ है इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं, यहाँ जो एक्स का मैक्सिमम घात है 3 है, यहाँ 1 है, यानी कि घात 2 वाला पद इसमें नहीं है। तो हम लिखते हैं पी एक्स को 2x³ + 0 × x² + 3x + 1। क्या किए यहाँ कि घात जो है घटते क्रम में सजा लिए, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 घात, कांस्टेंट है, और भाग जिससे देना है उसको हम इधर लिख लेते हैं x + 2 = 0। लिख लिए, इस 2 को उस पार ले जाते हैं, ये x = हो जाएगा -2, x = क्या हो जाएगा -2। अब हम क्या करते हैं, ये जो दिया गया बहुपद है इस बहुपद के प्रत्येक पद का गुणा, प्रत्येक पद का गुणा चिन्ह सहित हम लिख लेते हैं। देखिए यदि सब में प्लस है तो अच्छी बात है, 2 हो गया पहला पद का गुणा, दूसरा पद का गुणा क्या है x² का हो गया 0, x का गुणा 3, और ये लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट इसका गुणांक 1। उसके बाद उसको इस प्रकार से कर देते हैं। अब देखिए जिससे भाग देना था x + 2 से, x + 2 = 0, इसलिए x = -2। अब क्या करते हैं, हम -2 ले लेते हैं, यहाँ पर -2 दे दिए। अब देखिए क्या करते हैं, पहला जो है संख्या उसको हम जैसा का तैसा लिख देते हैं, लिख दिए। अब इसको इसको गुणा करते हैं, 2 × -2 ये हो जाएगा -4, और इसको हल करते हैं, ये इसको हल करते हैं, पहला को जैसा का तैसा लिख दिए, इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा -4। उसके बाद क्या करते हैं, इसको फिर इसको गुणा करते हैं, इस -2 से -4 गुणा करते हैं, -2 × -4 -+2 × 4 ये हो जाएगा 8, 2 × 4 = 8 ये हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे, इसको हल करने पर हमको क्या मिलेगा, दोनों प्लस चिन्ह है, ये हो जाएगा 3 + 8 = 11, कितना हो जाएगा 11।
अब फिर ये माइनस टू को इस 11 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 11, 11 दूनी 22, माइनस 22 हो गया, ये माइनस 22। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 22 में से एक घट जाएगा। समझने के लिए हम इस प्रकार से आप लोगों को लिख देते हैं, यहाँ एक था ये कांस्टेंट वाला, ये हुआ माइनस 22, इस प्रकार से ये हो गया माइनस 21। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो अंत वाला होता है ये आपका हो गया शेषफल। ध्यान दीजिए, ये आपका शेषफल निकल गया। और नेक्स्ट ये जो बचा हमारा, ये लिखाएगा भागफल। तो भागफल हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखिए भागफल जो लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा आप लोग, भागफल ये हो जाएगा, ये दो पहला है, यहाँ दो हम लिख दिए, बहुपद जो हमको दिया था उसका मैक्सिमम घात कितना है, मैक्सिमम घात है 3, मैक्सिमम घात कितना है 3, तो 3 से एक कम घात कर देंगे, 3 से कितना घात कम कर देंगे, एक घात कम कर देंगे, ये हो जाएगा 2x2। फिर यहाँ देख रहे माइनस है तो माइनस 4, और यहाँ जो दो घात है अभी से एक घात कम, तो यहाँ हो गया एक्स, नेक्स्ट प्लस 11, प्लस 11, ये हो गया आपका भागफल आंसर, और ये हो गया 20 माइनस 21 हो गया शेषफल। चाहे तो हम इधर लिख सकते हैं शेषफल इक्वल टू माइनस 21। तो आप लोग पॉलिनोमियल्स का डिवीजन सीखे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा ये रहा सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो कि आसान तरीके से चुटकियों में कैसे निकाला जाता है भागफल और शेषफल, ये आप लोगों ने सीखा। तो आइए पुनः हम अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं समय दे रहा हूँ।